हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप डेटा एडिट करके अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि किस तरीके से आप डेटा अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किस तरीके से आप डेटा को एडिट कर सकते हैं। एडिट का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना और नए डेटा को अपडेट कर देना, यही होता है एडिट का मीनिंग। सो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक का कोड कनेक्शन बनाने का है। अपडेट का जो कोड है यहाँ है, बहुत ही ईजी है, डिलीट के जैसा ही है, बस इसमें अपडेट किया गया। अपडेट का एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखा है मैंने, मैंने लिखा हुआ है कि अपडेट स्टूडेंट टेबल में सेट करो नेम को समीर, रोल को कर दो 1001 और एड्रेस को कर दो चेन्नई। कहाँ पर ये करना है, जिसकी भी आईडी 7 है, जिसकी भी आईडी 7 है उसको अपडेट करो स्टूडेंट टेबल में। देखना है क्या अपडेट करो, नेम उसका समीर कर दो, रोल उसका 1001 कर दो, एड्रेस उसका चेन्नई कर दो। और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कौन करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा exec मेथड, ये वाला। और ये क्या रिटर्न करता है, अफेक्टेड रो, जिसको मैंने यहाँ फर्दर डिस्प्ले कर लिया। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, वही एक्सेप्शन है, वही कनेक्शन को क्लोज करने का कोड है। इसको सेव कीजिए, याद रखिएगा कौन सा अफेक्ट होगा, आईडी जिसका 7 है। तो हम लोग चलते हैं पहले बैक एंड में, यहाँ पर देखिए आईडी 7 है अली का, तो अली की जगह समीर आ जाएगा, इसका रोल 107 से चेंज होकर हो जाएगा 1001 और रांची की जगह हो जाएगा चेन्नई। यानी कि आईडी इसका 7 है, उसका नाम, रोल और एड्रेस तीनों ही चेंज हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों चेंज करें, लेकिन मैं आपको तीनों चेंज करके दिखा रहा हूँ। चेंज का मतलब मॉडिफाई। इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए यहाँ मैसेज मिल गया मुझे, 1 रॉ अपडेटेड सक्सेसफुली। इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे 7 नंबर में, अभी अली 107 रांची है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए 7 नंबर में अब समीर आ गया, रोल नंबर 1001 और एड्रेस चेन्नई आ गया। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ये यूज़र फ्रेंडली कोड नहीं है। आप यूज़र को अगर देना चाहें ये फीचर, ये फीचर अभी प्रोग्रामर के पास है। अगर आप यूज़र को ये फीचर देना चाहते हैं कि वह जिस भी डेटा को चाहे उसको एडिट कर ले और अपडेट कर ले, तो यह भी पॉसिबल है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।